अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो आज मैं जा रही हूँ अपनी अम्मी के घर रुकने के लिए और ये मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा अपसेट हैं। क्यों भाई? क्यों अपसेट हो रहा है? आज ऑफिस आ रहा है इसलिए। अच्छा, निकल चुकी हूँ अम्मी के घर जाने के लिए और ये ना बहुत ज़्यादा अपसेट है। क्यों अपसेट हो रहा है? आ जाऊँगी। अरे भाई मैं क्यों अपसेट हूँ, मैं तो बहुत खुश हूँ। कोई नहीं, अपसेट हो रहा है। आज रात में बाहर जाऊँगा, दोस्तों के साथ डिनर पे जाऊँगा। ये सिर्फ कैमरे के आगे, मैं तो घर पे गया था मत जाओ ना ये वो। बाकी पूरे एक हफ्ते बाद मैं जा रही हूँ रुकने के लिए अम्मी के यहाँ, मैं आ जाऊँगी। पूरे एक हफ्ते से मैं इसको बोल रहा था कि कब जाओगी प्लीज चले आओ। अभी मैं और मेरा भांजा देख रहे हैं तारक मेहता, क्योंकि मैंने इतने दिनों से नहीं देखा, क्योंकि मेरा वो बहुत ज़्यादा फेवरेट है ना अहमद, हम दोनों का फेवरेट है ना। तो तुम्हें कैसा लग रहा है कि मैं आई हूँ आज? अच्छा। कितना अच्छा, प्यार कर दो फिर इसी बात पे। मेरी भांजी स्कूल से आई है, मैं देखती हूँ उसका कैसा रिएक्शन होता है मुझे देख करके, क्योंकि वो बहुत दिन से कहती कि आओ आओ रुकने आओ। तुम कब आई? अभी आई हूँ। खुशी हुई आपको? बहुत ज़्यादा। इधर तो आओ, इधर कैमरे में, बहुत ज़्यादा। जी मुझे ना भूख लग रही है, तो मैंने सोचा है कि मैं आइसक्रीम क्यों ना खा लूँ। मैं यहाँ पर ये आइसक्रीम निकाल ली है, कुल्फा, इसको लेके चलते हैं। क्या हो रहा है यहाँ पे? जा, तुम लोग रोज़ खा रहे हो, मुझे भी तो खाने दो। ये लोग रोज डेली आइसक्रीम खा रहे हैं और मैं आज लेकर अपनी आई तो कह रहे हैं मुझे भी खिलाओ। एक मिनट, एक मिनट। तुम अपने लिए आइसक्रीम खा ली और एक ये वो भी, तो हम लोग पार्टी कर रहे हैं, खाया हुआ हमें दे दिया। और हम लोग अभी क्या देखेंगे? तारक मेहता। घर आ चुकी थी और मुझे इतनी ज़्यादा गर्मी लगी थी कि मैंने अपने कपड़े वगैरह चेंज कर लिए और घर आकर मैंने अपने पुराने कपड़े पहने। इतना ज़्यादा सुकून लग रहा है ना मुझे। कैसी लग रही हूँ? बहुत अच्छी। क्या पढ़ रही हो? ये पढ़ रही हूँ। तो बड़ी अच्छी बच्ची हो गई हो। अच्छा ये बताओ, जब मेरी शादी हुई थी तो घर आकर कौन सबसे ज़्यादा रोया था? मैं रोई थी और अहमद भी रोया था। अगर आपके नाना को तो आंसू ही बह जा रहे थे। हाँ। अच्छा मैं लग कैसी रही थी अपनी शादी में? बहुत अच्छी। थैंक यू। तो मैं आप लोग को मिलवाती हूँ सुंदर लाल से, ऑफिस से आती है। इन्होंने देखें क्या मांगे। क्या हाल है सुंदर लाल? मैं तो ठीक हूँ। और कैसा रहा आपका दिन आज का? दिन काम की रात हो रही है। अच्छा आप खा क्या रहे हैं? मैं चिकन स्ट्रिप्स खा रहा हूं। आप इतने पतले होते जा रहे हैं दिन ब दिन, क्या राज है ये बताएं। ये वाला व्लॉग जो है ना इसके बाद बताएंगे अगले व्लॉग। नहीं नहीं अभी बताना होगा। नहीं अभी बता दूंगा तो सबको पता चल जाएगा। तो यहाँ पर अभी ये बहुत ज़्यादा ओवर हो चुका है। अभी मैं बात करती हूँ, फिर मैं आप लोग को अपडेट करती हूँ। और इसरा जा रहे हैं बेसन लेने के लिए, क्योंकि पकोड़े बन रहे थे पर बेसन था नहीं घर पे। और इसरा मम्मा के लिए क्या लेना है? बेबी लेस। सही है मेरे लिए। तो अभी लेस, बेबी, इसरा और अहमद दोनों के लिए लेनी है और हमने बेसन लेना है। तो हमारा कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ जाने का, क्योंकि दुकान बंद थी। तो हमने सिर्फ क्या ले लिया? लेस, बेबी ले कर हम आ गए। अभी हम थोड़ी देर बाद जाएंगे, है ना इसरा? बहुत फेवरेट पप्पो आए हुए हैं। पप्पो हाय करें सबको, बोले अस्सलाम वालेकुम। सब कैसे हैं? भाई अपनी अम्मी से पूछेंगे उनको कैसा लग रहा है मैं रुकने आई हूँ घर पर। हाँ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आई हूँ रुकने के लिए। आप शर्माती क्यों? तो चार दिन और रह गए। हाँ अच्छा, कैमरे में देखने में आपको शर्म क्यों आती है? यहाँ पर मेरी अम्मी थी, पर यहाँ पर ये बहुत ज्यादा कमेंट्स करते हैं सब के अपनी अम्मी को दिखाएं। इन्होंने कहा है कि तुम खाती रह जाओगी, इतने मजे का बना है। मेरी बहन ने ये कहा है, अब देखते हैं बाकी कैसा बने कैसा नहीं, है ना भाई इसरा? खाना निकल चुका है, खाने में है पाए बिरयानी हलीम। कैसा है खाना? बेहतरीन, मज़ेदार। कैसा बना है आपको खाना? बढ़िया। खाना वाकई में बहुत मज़े का बना है और बिरयानी तो कोई इतने मज़े की बनी कि मैं क्या बताऊँ। किसने बनाया? मम्मी को तारीफ कर दो जल्दी से। मम्मी क्या बिरयानी बनाती हैं यार, कहाँ से? आप अपनी बेटी को भी ऐसी बिरयानी सिखा देती हैं। अपना हुनर बांटे मम्मी, बढ़ता है यार इसको भी सिखाएं। निकल चुकी हूँ अम्मी के घर से और मैं ज़रा इससे पूछती हूँ कि मुझे इतनी जल्दी लेने क्यों आया आप इतनी जल्दी मुझे लेने? बेटा दो दिन के बाद आया हूँ जल्दी, एक दिन का बोल के दो दिन रुक गए मेरे घर। आप तुम्हारी वालिदा की बर्थडे में केक लेके आया था, सही है? आए क्यों आप? आ जा जाते हैं केक लेके। तो उनकी बर्थडे गलती तो आज के लिए क्यों आ रहा था आपसे?
बिल्कुल भी नहीं, आपको आके लिफ्ट भी नहीं कराई, मैं बाहर दोस्तों के साथ अपने दोस्तों के पास आया था। बोलो ना कि नहीं रहा जा रहा था। हां बोले ना, हां आप नहीं रहा जा रहा था। मिस कर रहे थे आप बहुत ज्यादा। कितना इतना सा सही है, इतना मिस करो। तो भाई मैं सिर्फ गई थी दो दिन के लिए, वो भी इसने मुझे नहीं रहने दिया। एक दिन का बोल के दो दिन रुकी, ऐसा कुछ भी नहीं, एकदम गलत आप बोल रहे हो। तो जाते क्या गई थी आप, मुझे कल लेने आ जाना। वो तो मैंने कहा इसलिए कि आप मुझे मतलब ले जाओ घर, तो आप लेके ही नहीं जा रहे थे। अच्छा मतलब झूठ बोला था। मतलब अभी अभी शादी हुई है, एक हफ्ता 10 दिन हुए हैं, उसके बाद भी ये सब चल रहा है। शुरू में तो हर इंसान ही जाता है रुकने, और अभी आप इसकी खुशी देखें कि अभी ये कितना ज्यादा खुश है, और जाते हुए अभी इसी व्लॉग में शुरू में जाते हुए इनका चेहरा देखना कितने अपसेट, और अभी कितनी ज्यादा खुशी। एक हफ्ते फिर से जाऊंगी रुकने 3 दिन के लिए। तुम्हें जब मुझे झूठ बोल के गई हो ना, तो तुम 3 साल के लिए बोल जो। मैं जाऊंगी 3 दिन के लिए, 3 घंटे के लिए जाना अलाउ है। ये गलत बात है बहुत ज्यादा भाई, लड़की को अपने ना ससुराल में दिल लगाना चाहिए। ससुराल में ही लगा रही हूँ। वही लगाओ बस ज्यादा। आपने मेरे से पापड़ मंगाया कौन सा, मक्खन मलाई, कभी जिंदगी में मैंने इसका नाम नहीं सुना था। तो भाई मुझे पसंद है ऐसे वाले पापड़। एक और इसको पापड़ बोलेंगे, उसका नाम है पट्टी फ्राई। पट्टी फ्राई नहीं, वो पहले पसंद था, अब नहीं पसंद। ये वाला मेरा दिल चाह रहा था खाने का, तो मैंने अभी ये मंगवाया अपने लिए। इसमें क्या होता है, मुझे खिला के दिखाना। मक्खन होती है, आपको इतना अच्छा लगेगा। और दूध वाली मलाई होती है। दूध वाली मलाई होती है, बिल्कुल ऐसे ही है। देखो वही पसंद नहीं आया तो नाराज नहीं होना जी, मगर आपको ये पसंद आएगा, आप टेस्ट करो बस। देखा जो बात 10 रुपए वाले पापड़ में, वो किसी और इतना अच्छा तो कुरकुरे भी नहीं है। मैं खाऊंगा। मैं से क्या, आप खा लो मेरी जान। और है लेकिन इसमें सिर्फ 8 सही है, 10 रुपए में और क्या चाहिए। सच में मजेगा यार, खा लो आप। देखा मैंने कहा था ना पसंद आएगा। अब ऐसे भी पाकिस्तान मेड प्रोडक्ट है, हमें सपोर्ट करना चाहिए। नहीं नहीं आपको ये पहन के तो देखो। तो मैं यहाँ पर ट्राई करती हूँ कि मुझ पर कौन सा सूट करता है कौन सा नहीं, वैसे तो कोई सा भी अच्छा नहीं लगता मुझे। आप बताओ कैसा लग रहा है। इसमें वो लग रही है स्कूल की टीचर्स नहीं होती जो बच्चों को, मैथ टीचर्स होती हैं बच्चों को मारती हैं, वही लग रही हो स्कूल। अभी केमिस्ट्री की टीचर लग रही हो। अभी आंटी प्यारी लग रही हो, क्यूट। मजाक करता हूँ यार। अल्लाह ये तो बहुत ही गंदा है, ये गोल मुंह वालों के लिए नहीं होता। मेरा गोल मुंह है, गोल मुंह वालों के लिए ऐसा मुझे जैसे सब थोड़ा चेहरा पतला लगे। तो वैसे जो फर्स्ट वाला थोड़ा सा मुझे बेटर लगा था, ये वाला। सारा दिन खाना पीना खाते रहो और फिर आखिर में पतला भी लगना है। लड़कियों की साइंस दुनिया में कभी समझ नहीं आती भाई। आज मुझसे मैचिंग करके आई जी, आज मैचिंग की। कैसे लग रहा है, कौन सा अच्छा लग रहा है। वो तो नहीं लगता हूँ ऐसे तो। हाँ एक घंटा मेकअप किया है ना इसलिए। भाई वो वाली शॉप पे तो मुझे कुछ भी पसंद नहीं आया, और पहली वाली शॉप पे पसंद आया था, पर वो इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव थे, 4,000 के कोई लेता है फ्रेम। मैं तो 1200-1500 वाले लेती हूँ भाई। अब देखते हैं, यहाँ पे मैं लास्ट आ रही हूँ, उसके बाद मैं घर जाऊँगी अगर नहीं समझ आया तो। यार क्या लाजमी आप लेते हो, थैंक यू। प्यारे लग रहे हैं, प्यारे हैं नहीं, बहुत प्यारे। लास्ट में ले लेते हैं। थैंक यू हाँ, आपके हाथ तो बहुत प्यारे लग रहे हैं। यहाँ पर मेरे हस्बैंड को एक चीज दिख गई है जिसके बगैर वो रह नहीं सकता, जहाँ पे भी दिखेगी वो मुझे बिठा लेते हैं। और आप लोग देखिए इनको दिखी क्या है भाई, दो गर्मा गर्म फुल टाइम कचौरियाँ। मतलब क्या इतनी मोहब्बत क्यों है कचौरियों से। यार मुझे बहुत पसंद है,
इसमें जो आलू की तरकारी और जो पूरी का जो कॉम्बिनेशन है ना, जैसे मेरा और आपका कपल है ना, ये कपल भी हिट कपल है। हमारे लिए बिरयानी खाइए, आप बिरयानी खाइए, पाया खाए और हलीम खाइए, तीन आइटम। कचौरी भी आ गई है, अब आप टेस्ट करो। बहुत गर्म है यार, मज़ेदार वाली, जल्दी जल्दी खाएं। क्या जल्दी आऊँ? बिस्मिल्ला। मज़ेदार, बहुत अच्छी है। मैं भी बनाना सीख लेती हूँ, सोच रही हूँ। पानी बॉयल करना स्टेप बाय स्टेप सीखने, पहले चूल्हा जलाना सीखो, चूल्हा जलाने से भी पहले माचिस जलाना सीखो। वो आता है, आग, से जलाएंगे। आग लगानी आती है, माचिस जलाना तो नहीं आती ना। बस और से आनी है तो अपनी खुद मंगा। कैसी है यार आप लोग देखें गजरे कितने प्यारे लग रहे हैं, मुझे तो बहुत 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 ज्यादा अच्छे लग रहे हैं वाकई में। थैंक यू सो मच। यूर वेलकम। थैंक यूर थैंक यू ना यूर वेलकम। सच होता मुझे वाकई बहुत अच्छे लग रहे हैं, आप बताओ आपके आपको कैसे लग रहे हैं? परफेक्ट, आपके हाथों में बहुत परफेक्ट लग। थैंक यू सो मच। आई एम सो सॉरी, मैं व्लॉग एंड करना भूल गई थी क्योंकि घर आकर थोड़ा सा बिजी हो गई थी। बाकी उम्मीद है कि आप लोग को अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।